बनाते हैं अभी वेजिटेबल पुलाव। तो कुकर में ले लिया है ऑयल, और ऑयल गरम होने के बाद डालेंगे तेज पत्ता और ये खड़े गरम मसाला, और ये डालेंगे अभी आलू, ग्रीन मटर भी डाल दूंगी, हल्दी पाउडर थोड़ा डालूंगी, अब डालूंगी गोभी, वेजिटेबल को थोड़ी देर फ्राई करूंगी। आप डालेंगे इसमें 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब इसमें डालूंगी चिल्ली पाउडर, जरा सा हल्दी पाउडर, नमक, और ये टमाटर भी डाल दूंगी। फिर मसाला को थोड़ी देर फ्राई करूंगी। अब इसके अंदर डालूंगी चावल, अब पानी भी डाल दूंगी। 2 ग्लास चावल ली तो 4 ग्लास पानी लूंगी। अब डालूंगी इसमें गरम मसाला और धनिया पत्ता, 1 सीटी लगा दूंगी, फिर रेडी हो जाएगा वेजिटेबल पुलाव। बनाते हैं पोहा। पहले ले लेंगे कढ़ाई में ऑयल, ऑयल गरम होने के बाद डालेंगे थोड़ा सा सरसों, सरसों तड़कने के बाद डालेंगे ये मूंगफली, अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च और प्याज, अब डालूंगी करी पत्ता, अब इसमें डालूंगी पोहा। पोहा को अच्छे से वाश कर ली थी और 2-3 मिनट के लिए सोक करके रख देंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाल दूंगी। कांदा पोहा महाराष्ट्रियन डिश है, इजी ब्रेकफास्ट और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो रेडी हो गया कांदा पोहा, गरम गरम ब्रेकफास्ट में खाएंगे कांदा पोहा आज, और ऊपर में डाल दूंगी धनिया पत्ता। कैसा लगा कांदा पोहा जरूर बताइए। अरे देखिए सुबह सुबह बाबू उठ गया है, अभी उठा, ब्रश भी नहीं किया है और आ गया फ्रिज में झांकने के लिए कि कुछ है क्या फ्रिज में। बाबू का चल रहा है एक्सरसाइज कीपिंग। और तीनों का हो रहा है ब्रेकफास्ट, तो बढ़िया हाँ, महाराष्ट्रियन डिश, मुझे और स्वाद चाहिए, हाँ जरूर मिलेगा, हाथ में बहुत अच्छा बना, अच्छा बना। और बाबू सर में हाथ देकर बैठा है क्योंकि लगा है टीवी में न्यूज। अभी टाइम हो रहा है 8:08, अरे बहुत अच्छा टाइम निकला, बहुत अच्छा टाइम है ना, 8:08 आज टाइम है, 8:08 आज का टाइम नहीं, अब टाइम बज रहा है 8:08, नहीं 8:09 बज गया, बोलते बोलते 8:09 हो गया। चलो ब्रेकफास्ट करो, मैं तो बाद में आऊंगी, अब कैमरा में आने का हालत में नहीं हूँ मैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, और आज अन्नू के घर से गुड मॉर्निंग हो रहा है।
क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं अनु, बोलो। गणगौर की पूजा। हाँ, गणगौर की पूजा करने वाले हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं अनु का जूड़ा बना लेती हूँ। अनु क्या क्या चाहिए आपको, मुझे बताओ। जूड़ा में कुछ नहीं चाहिए, एक रबर बैंड चाहिए, बस मेरे हाथ चाहिए, तेरा मुंडी चाहिए मुझे बस। आ, मुंडी मुझे दे दे, फिर मैं जूड़ा बना लूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। कुछ कमी लग रही है? नहीं, कुछ कमी नहीं लग रही। क्या बोलते तुम बहू को, क्या बोलते हो? बिंदनी बोलते हैं। बिंदनी, हाँ बिंदनी बिंदनी। अब जो बन गई यूपी का बिंदनी ही नहीं। तो हम रेडी हो गए क्या पूजा करने के लिए? अनु, गणगौर की पूजा। गणगौर के पूजा करने, शिव और पार्वती के रूप होते हैं गणगौर और ईश्वर जी, तो उन्हीं की आज पूजा होगी। सुहागने औरतें करती है, ये सुहाग का व्रत है, तो और कुंवारी औरतें करती है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। हाँ, पर त्रिशा का तो है आज घर पे है। हाँ, पर वो तो स्कूल कर रही है। मैं करूंगी अनु के साथ मिलके। तो आज हम दोनों दिखाएंगे आप राजस्थान का फेमस फेस्टिवल गणगौर पूजा कैसे होते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे, आप भी देखिए कैसे होता है। चलिए अभी शुरू करते हैं। सिद्धि, फिर तू अब पूजा करेगी। त्रिशा की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है, इधर बेंगलोर में भी स्कूल बंद हो गया है, तो आज से वो घर पे ही क्लास करेगी, स्कूल जाने का जरूरत नहीं। बाबू त्रिशा दोनों ही घर पे क्लास कर रही है, 2 बजे तक उसका क्लास रहेगा, इसलिए मैं ही आ गई पूजा करने के लिए, नहीं तो वो दोनों को भी बुला लेती, पर क्लास चल रहा है ना। सिद्धि मैडम हमारे साथ करेगी पूजा, नहीं पूजा शुरू करते हैं। पूजा में इसमें बथुए की पिंडियों का भोग लगता है, ये जो है ना बथुए को उबाल के उसकी ये 4 पिंडी ये लगेगा, और स्वीट कोई भी लगेगा, स्वीट कोई भी लगा सकते हैं, वो ईश्वर जी के लिए स्वीट का लगेगा, और ये पार्वती जी के ये लिए पार्वती जी बथुआ। हाँ, अब इसका कथा सुनाएंगे आपको, सुनिए कथा की क्यों लगता है बथुए का भोग। हाँ, कैलाश पर्वत पर शिवजी और पार्वती जी आपस में बातचीत कर रहे थे। आज चैत्र सुदी तीज है, आज तो पीहर का त्योहार होता है। पार्वती जी ने कहा, महाराज मुझे मेरे पीहर से ले चलो। तो शिवजी ने कहा, अच्छी बात है पार्वती जी, आप तैयार हो जाओ, मैं भी नंदिये को लेकर तैयार हो जाता हूँ। दोनों नंदिये को लेकर कैलाश पर्वत से रवाना हुए। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, आप नंदिये पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। पार्वती जी नंदिये पर सवार हो गई। चलते चलते रास्ते में कई प्रकार के मनुष्य मिले। उन्होंने आपस में कहा, देखो तो सही, ये जवान तो सवारी पर बैठा है और बेचारा बूढ़ा बाबा पैदल चल रहा है। ये बातें पार्वती जी ने सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, महाराज आप नंदिये पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलती हूँ। शिवजी नंदिये पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। आगे चलते उन्होंने कई प्रकार के मनुष्य मिले। उन्होंने कहा, देखो सवारी पास में होते हुए भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। ये बात भी पार्वती जी ने सुनी। उन्होंने शिवजी से कहा, महाराज ये दुनिया कैसी है, सवारी पर चढ़ते हैं तो भी हंसती है, पैदल चलते हैं तो भी हंसती है। तो शिवजी ने कहा, पार्वती जी ये दुनिया दुरंगी है, आप दुनिया को देखते चलो। आगे चलते चलते एक गाय मिली, उसके बच्चा होने वाला था। वह बहुत तड़प रही थी। गाय का मालिक उसके पास खड़ा उसकी पीठ सहला रहा था।
पार्वता जी ने शिव जी से पूछा तो शिव जी ने कहा गाय के बच्चा होने वाला है। पार्वता जी ने कहा महाराज बच्चा होने पे इतना कष्ट होता है, मेरे तो पेट के गांठ लगा दीजिए। शिव जी ने कहा अभी नहीं, आप आगे चलिए। आगे एक घोड़ी के बच्चा होने वाला था, वह भी तड़प रही थी। पार्वता जी ने कहा महाराज ये क्या है? शिव जी ने कहा घोड़ी के बच्चा होने वाला है। तो पार्वता जी ने कहा बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है, मेरे पेट के गांठ लगा दीजिए। शिव जी ने कहा अभी नहीं, आगे चलो। आगे एक सेठानी के बच्चा होने वाला था। सेठ के घर के द्वार पर कई लोग इकट्ठा खड़े थे। पार्वता जी ने पूछा महाराज यहाँ क्या है? शिव जी ने उत्तर दिया यहाँ सेठानी के बच्चा होने वाला है। तो पार्वता जी ने शिव जी से कहा मेरे पेट की गांठ लगा दो। शिव जी ने कहा गांठ लगाने के बाद पछताओगी, आगे चलो। आगे चलने पर राजा का महल आया, वहां रानी के बच्चा होने वाला था। महल के द्वार पर काफी भीड़ थी। पार्वता जी ने कहा महाराज यहाँ क्या है? शिव जी ने कहा यहाँ पर रानी के बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने कहा अब तो मेरे पेट की गांठ लगा दो, मैं यह सब सहन नहीं कर सकती। शिव जी ने कहा मैं गांठ तो लगा दूंगा, परंतु आप बाद में पछताओगी। यह कहकर उन्होंने पार्वती जी के पेट पे गांठ लगा दी। फिर आगे पार्वती जी का पीहर आ गया। पार्वती जी अंदर जाकर अपनी माता जी से मिली। उनकी माता जी उनके आने पर बहुत खुश थी। माता जी ने कई प्रकार के मीठे नमकीन पकवान व व्यंजन बना रखे थे। यहाँ पर शिव जी के मन में मजाक करने की सोची, इतना भोजन बनाया हुआ था वह सब खा गए। पार्वता जी ने कहा जल्द, और पार्वता जी से कहने लगे जल्दी चलो। पार्वता जी ने अपनी माँ से कहा माँ मुझे जल्दी खाना खिला दो, देर हो रही है। माँ ने कहा बेटी सारी रसोई समाप्त हो गई है, दूसरा खाना बनाऊंगी तब होगा। तो पार्वता जी ने कहा माँ मुझे कुछ देर हो रही है, आपके पास जो कुछ है वो मुझे दी दीजिए। माता ने कहा मेरे पास तो बथुए की पिंडिया है। पार्वती जी ने कहा मुझे यही दे दो, मैं खाकर चली जाऊंगी। माता ने चार बथुए की पिंडिया और एक लोटा पानी दे दिया। पार्वती जी खाकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में शिव जी ने कहा पार्वती जी माता जी के घर से क्या खाकर आई हैं? उन्होंने उत्तर दिया महाराज जो आपने खाया वही मैं खाकर आई हूँ। शिव जी ने कहा मैं नहीं मानता, आप झूठ बोल रही हैं। आगे चलकर एक बगीचे में ठहरे। शिव जी ने ऐसी माया फैलाई कि पार्वती जी को जोर की निंद्रा आने लगी और वो सो गई। शिव जी ने पेट का ढक्कन हटाकर देखा तो पार्वती जी के पेट में एक लोटा पानी और चार बथुए की पिंडिया तैर रही थी। इतने में पार्वती जी की निंद्रा टूटी तो शिव जी ने कहा तुम्हारे पेट में एक लोटा पानी और चार बथुए की पिंडिया दिखाई दे रही है। पार्वती जी ने कहा महाराज आपने ये क्या किया, अंदर की बात नहीं देखनी चाहिए। आगे से आप ऐसा करिए पेट का ढक्कन ढककर उल्टा ढक दीजिए ताकि कोई किसी का पेट खोलकर यह न देख पाए कि उसने क्या खाया है, क्योंकि स्त्रियों का कर्तव्य है पीहर की बात ससुराल में, बस ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। आपकी ये बात बहुत अच्छी है, मैं इसे मान लेता हूँ, आगे से हमेशा ऐसा ही होगा। पार्वती जी ने उड़े ओढ़ी भर भर के सुहाग दे दिया। बाद में ब्राह्मणिया ओसवालनिया पंचोलनिया सज धज कर सुहाग लेने गई। शिव जी ने उन्हें दूर से आकर देखा, पार्वती जी को कहने लगे पार्वती जी आपकी सहेलियां तो अब आ रही हैं सुहाग लेने। पार्वती जी बोली महाराज मैं तो अब सब सुहाग बांट चुकी हूँ, अब तो मेरे पास बिल्कुल थोड़ा ही रहा है। शिव जी ने कहा कुछ भी हो इन्हें सुहाग तो देना पड़ेगा। तब पार्वती जी ने अपने सीधे हाथ की चिटुड़ी अंगुली से सबको सुहाग दे दिया। शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि चैत्र सुदी तीज को सब सुहागन औरतें व कुंवारी कन्या गणगौर व ईश्वर जी की पूजा करें। आपको भी दूंगी, आप भी लगाओ सर पे कान पे ऐसे ही लगा, ऐसे लगा दो सब जगह लगाना, ऐसे ही लगा दो, टच करना है बस, ऐसे ही तो रखना है। ये देखो रानी करता करता सायो मा सायो खेरे खाडे लाडू लायो लाडू ले रानी दियो बीरोले मन चुंदड़ दी चुंदड़ ले मैं गवर उड़ाए गवर ले मन सुहाग दियो सवाग बाग से ले साथ कचोले निसर गवरा दोनों जोड़ा रानिया पूजे राज ने मैं पूजे सवाग ने रानिया रो राज तप तो जाए मानो सुहाग बढ़ तो जाए। गोर गोर गोमती सर पूजे पार्वती पार्वती रया लगीला गोरा रे सोनारा टीका माने है कुकुरा टीका दे टमका दे व्रत करता गबरा दे रानी करता कर आसायो मा आसायो खेरे खाडे लाडू लायो लाडू ले बीरा ने बीरोले मने चुंदड़ दी चुंदड़ ले मैं गवर उड़ाए गवर ले मने लाडू लायो लाडू ले बीरा ने
बीरोले मने चुंदड़ दी चुंदड़ले में गबर उड़ाए गबरले मने सवाग दियो सवाग बा सेले साते कचोले इसर गबरा दोनों जो रानिया पूजे राज ने मैं पूजा सवाग ने रानिया राज तब तो जाए मानो सवाग बढ़तो जाए पूजा सवाग ने रानिया राज तब तो जाए मानो सुहाग बढ़तो जाए गोर गोर गोमती सर पूजे पार्वती पार्वती रे लगी लगोरा रे सोना रा टीका माने है कुकुरा टीका टीका दे टमका दे व्रत करता घबरा दे रानी करता करता आसायो मास केरे खाडे लाडू लायो लाडू ले बीरा ने दियो बीरो ले मने चुंदर दी चुंदर ले मैं गबर उड़ाई गबर ले मने सुहाग दियो सुहाग बाग सेल साथ का चोले इसर गबरा दोनों जोड़ा रानिया पूजे राज ने मैं पूजा सुहाग ने रानिया रो राज तब तो जाए मारा गोर गोर गोमती सर पूजे पार्वती पार्वती रे अलग गीला गोरा रे सोना रा टीका माने है कुकुरा टीका टीका दे टमका दे व्रत करता घबरा दे रानी करता करता आसायो मासायो घेरे खाडे लाडू लायो लाडू ले बीरा ने बीरो ले मने चुंदर दी चुंदर ले मैं गबर उड़ाई गबर ले मने सुहाग दियो सवाग भाग से ले सात कचोले इसर गबरा दोनों जोड़ा रानिया पूजे राज ने मैं पूजा सुहाग ने रानिया रो राज तब तो जाए मान सुहाग गणगौर की पूजा। अब हम लोग बस वो जो बथुए का जो भोग लगाया था सबसे पहले वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाना या पीना है। फिर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार देखा ना। हाँ,
गणगौर का समय ये है आज, जैसे गणगौर माता कल आ गई थी, अब वो श्रृंगारते है ना जो गणगौर कल आ गई थी अपने मायके, अब 7-8 दिन मायके रुकेगी, फिर नवरात्रि के लास्ट डे बोलावणी होती है, उस दिन वो अपने वापस ससुराल जाएंगी। अभी गवर और ईश्वर दोनों वो अपने ससुराल आए हुए हैं और गवर माता अपने पियर आए। पोज दे रहे और ये महारानी और मैं उसका दासी के जैसा लग रही हूँ, ये जो पूरा गेट अप में है एकदम सिंपल और ये महारानी का लुक राजस्थानी मारवाड़ी लुक, मारवाड़ी मैं एक दिन मारवाड़ी लुक में ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ पहनना। तो अभी हम लोग कुछ जलपान का सेवन करेंगे, पहले प्रसाद खा लेंगे, प्रसाद खा लेते हैं, फिर हम सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद मैं तो सुबह ही खाना बना लेती हूँ, वेज पुलाव खा लेंगे, प्याज लहसुन का खाते हो ना, सब कुछ खाते हैं, तो बोलिए कुछ दिक्कत नहीं है, आज पूजा के बाद सबसे पहले कुछ कुछ नहीं, मुझे वो चाय पीने का वेज पुलाव बने इनको। अब आप बहुत जल्द एक बहुत ही सुंदर से गेटअप में देखने वाले हो, वो थोड़ा सा सस्पेंस है। और अन्नु आज कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बोलिए, मुझे छोड़ दीजिए आज, आज सिर्फ अन्नु को देखिए, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है राजस्थानी लुक में, मैं भी एक दिन राजस्थानी बनकर आ जाऊंगी, क्या करेंगे एक बार पूरा कंप्लीट राजस्थानी में, मैं देखूंगी क्या राजस्थानी क्यों नहीं लगोगे, मैं करूंगी आपका उस दिन, हां उस दिन बने पूरा राजस्थानी कर देना मुझे, पूरा पूरा राजस्थानी लगोगे मैं, मस्त लगोगे, इतना सुंदर लग सकती हूँ, ज्यादा सुंदर लगोगे। ये है बथुए की पिंडिया जो आपने स्टोरी में सुनाई होगा, इसलिए इसका भोग लगता है, तो हम सबसे पहले यही खाएंगे। पार्वती ने मम्मी के घर में यही खा कर आए थे, अपने माँ के घर में मम्मी के घर में हम लोग आदत हो गया ना, बोलते हैं ना, जीरा से भुनना, उबाल लेना, सिर्फ उबालना है, फिर नमक मिर्ची और जीरा डाल के उसको बना रहे हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद मैं तो पुलाव बनाई थी वही पुलाव सब खा लेंगे आज शॉर्टकट। पियेंगे हम गरम गरम चाय, काफी टाइम हो चुका है, अब व्लॉग अभी अभी छोड़ा और अभी खाना खाने के लिए जाएंगे, खाना तो लंच में जो बनाई थी ना पुलाव, जो वेजिटेबल पुलाव वही खाएंगे। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे रखती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बोलिए, बाय 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 बाय। फ्रेंड्स सुनने के लिए जा रही थी और भूल गई थी एक चीज, अभी मैं बोलूंगी, ब्लॉग तो एंड कर ली थी पर अच्छा हुआ कि एडिट करने के लिए नहीं गई थी, और किसको विश करना है तो विश करेंगे हम ऋषि बेटा को, विजय लक्ष्मी का बेटा का नाम है ऋषि, तो हमारे तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, हम तीनों मिलकर ऋषि को फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, ठीक है तुम दोनों बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ऋषि, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा, अच्छे से बर्थडे को एंजॉय कीजिए और केक कट करो और हमें भी केक खिलाओ, ठीक है यही विश करना था, अच्छा हुआ याद आ गया, तो बाय बाय बेटा, बाय बाय, लव यू बेटा, बाय बाय। ओ माँ इसको भी अभी सुला देती हूँ, अभी मेरे बाबू का भी बर्थडे आएगा, अभी टाइम है, पहले मम्मा का बर्थडे आएगा उसके बाद बाबू का बर्थडे आएगा और फिर दीदी और पापा, हाँ।